हेलो एवरीवान, स्वागत करदा तुहाडे सारिआं दा तुहाडे इस अपने चैनल स्टडी पॉइंट 44 दे विच। हाँ जी, अज दी आपां इस वीडियो दे विच पंजाब दा नवां मंत्री मंडल नाल रिलेटड कुछ महत्वपूर्ण एम सी क्यूज़ कवर करांगे। तुहानूं पता है कि पंजाब दे कैबिनेट मंत्री दे जिन्ने भी मंत्री हन तां उहनां नूं नवें अलग अलग महकमे दित्ते गए हन। तां इस वीडियो दे विच अपने कोल जिन्ने भी महत्वपूर्ण एम सी क्यू बंदे हन सारे आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। हाँ जी, जेकर तुसीं पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल साबित होने वाली है। सो वीडियो नूं ध्यान नाल अते एंड तक जरूर देखना है। एक एक प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सो अज की इस वीडियो में शुरू करने तो पहला जिहड़े विद्यार्थी चैनल पर नवे हैं तो प्लीज़ चैनल में हुणे ही सबसक्राइब करके बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर लवो ता जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हुण वीडियो में शुरू करते हाँ। हाँ जी, पंजाब के वर्तमान समय में मुख्य मंत्री कौन हैं? तो यह इतने अपने को प्रश्न पूछा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, मनप्रीत सिंह बादल, सुखजिंदर सिंह रंधावा। तो इस अपने को सही उत्तर होगा बी, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी। हाँ जी, पंजाब के वर्तमान समय के मुख्य मंत्री कौन हैं, यानी कि सीएम कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी। बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, पंजाब के वर्तमान समय में गवर्नर कौन हैं? वी पी सिंह बदनौर, गुरदयाल सिंह, बी डी मिश्रा, ज बनवारी लाल पुरोहित। तो इस प्रश्न का आंसर भी हरेक विद्यार्थी को पता लग गया होगा। तो इस अपने को सही उत्तर होगा डी, यानी कि बनवारी लाल पुरोहित। हाँ जी, पंजाब के वर्तमान समय के गवर्नर कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। एंड ये कितों के हैं? ये हैं तमिलनाडु के। सो इस पॉइंट में भी ध्यान दे विच जरूर रखना है, ये अपने को एग्जाम प्रश्न बन सकता है। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, पंजाब के गृह मंत्री कौन हैं? सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रगट सिंह, विजय इंद्र सिंगला, जा इन्हां दे विचों कोई नहीं। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए, इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सुखजिंदर सिंह रंधावा। हाँ जी, पंजाब के गृह मंत्री कौन हैं, यानी कि होम मिनिस्टर? तो उत्तर हो जाएगा सुखजिंदर सिंह रंधावा। सो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, पंजाब का सेहत ते परिवार भलाई विभाग किहड़े मंत्री कोल है? मनप्रीत सिंह बादल, सुखजिंदर सिंह रंधावा, रजिया सुल्ताना, जां ओम प्रकाश सोनी। तो आप इसका आंसर देख लेंगे। डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ओम प्रकाश सोनी। हाँ जी, पंजाब का सेहत ते परिवार भलाई विभाग किहड़े मंत्री कोल है? तो उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश सोनी। नैक्सट, पंजाब दा स्थानक सरकार अते संसदी मामले दा विभाग किन्ना कोल है? ओम प्रकाश सोनी, विजय इंद्र सिंगला, प्रगट सिंह, जां ब्राम महिंद्रा। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ब्राम महिंद्रा। हाँ जी, पंजाब दा स्थानक सरकार अते संसदी मामले दा विभाग किन्ना कोल है? तो उत्तर हो जाएगा ब्राम महिंद्रा। नैक्सट आप मूव करते हाँ। हाँ जी, पंजाब के वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन हैं? सो ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस अपने को सही उत्तर होगा ए, यानी कि मनप्रीत सिंह बादल। हाँ जी, पंजाब के वर्तमान समय के वित्त मंत्री कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा मनप्रीत सिंह बादल। सो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट आप देखते हाँ जी, इतने नोट एक तो लिखना है योजनाबंदी प्रोग्राम विभाग भी इन्हों को है कि मनप्रीत सिंह बादल को। नैक्सट आप देखते हाँ जी, पंजाब का पशु पालन, मच्छी पालन और डेयरी विकास विभाग किहड़े मंत्री कोल है? सो महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो। आप इसका आंसर देख लेते हैं। डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा तृप्त रजिंदर सिंह रंधावा। हाँ जी, पंजाब का पशु पालन, मच्छी पालन और डेयरी विकास विभाग किहड़े मंत्री कोल है? तो उत्तर हो जाएगा तृप्त रजिंदर सिंह रंधावा। नैक्सट इन्हां कोल होर अपने को विभाग है पेंडू विकास और पंचायत विभाग भी इन्हां कोल है। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, पंजाब का मालिया, मुड़ वसेवा और आफत प्रबंधन का विभाग किहड़े मंत्री कोल है? तो हुण आपां इसका आंसर देखते हैं। सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अरुणा चौधरी। हाँ जी, पंजाब का मालिया, मुड़ वसेवा और आफत प्रबंधन का विभाग किहड़े मंत्री कोल है? तो उत्तर हो जाएगा अरुणा चौधरी। सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट, पंजाब का जल स्रोत, रिहायश और शहरी विकास विभाग किहड़े मंत्री कोल है? राणा गुरमीत सिंह, सुखविंदर सिंह सरकारिया, रजिया सुल्ताना, जां मनप्रीत सिंह बादल। तो हुण आपां इसका आंसर देख लेंदे हां।
बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा सुखविंदर सिंह सरकारिया। हाँ जी, पंजाब दा जल स्रोत रिहायश अते शहरी विकास विभाग कि मंत्री कोल है? तो उत्तर हो जाएगा सुखविंदर सिंह रंधावा। नैक्सट हेठ लिखा दे विचों केड़ा विभाग पंजाब दे कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह कोल है? बागबानी विभाग, मिट्टी अते पानी दी संभाल दा विभाग, तकनीकी सिक्ख्या अते उद्योगिक सिखलाई दा विभाग, जां उपरोक्त सारे? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सारे। हाँ जी, ये सारे ही विभाग किन्ना कोल हन? पंजाब दे जिहड़े कैबिनेट मंत्री हन राणा गुरमीत सिंह, तो इन्हां कोल हन। नैक्सट आप देखते हैं, हाँ जी, हेठ लिखा दे विचों केड़ा विभाग रजिया सुल्ताना कोल है? जल सप्लाई अते सैनीटेशन, समाजिक सुरक्षा, महिला अते बाल विकास, जां उपरोक्त सारे? सो ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो। इस अपने को उत्तर पेगा डी, यानी कि उपरोक्त सारे, यानी कि यह सारे ही विभाग रजिया सुल्ताना को। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी, पंजाब का लोक निर्माण प्रशासनिक सुधार विभाग किड़े मंत्री को है? विजय इंद्र सिंगला, प्रगट सिंह, रणदीप सिंह नाभा, ज रजिया सुल्ताना? तो आप इसका आंसर देखते हैं, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा विजय इंद्र सिंगला। हाँ जी, पंजाब का लोक निर्माण प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री को है? तो उत्तर हो जाएगा विजय इंद्र सिंगला। थानू पता है कि पहला विजय इंद्र सिंगला पंजाब के सिक्ख्या मंत्री सन, बट वर्तमान समय के पंजाब के सिक्ख्या मंत्री हैं प्रगट सिंह। नैक्सट आप मूव करते हैं जी, हेठ लिखा दे विचों केड़ा विभाग पंजाब के कैबिनेट मंत्री परत भूषण पांडे कोल है? भोजन, सिविल सप्लाई, खपतकार मामले, जां उपरोक्त सारे? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे। हाँ जी, ये सारे ही जोड़े विभाग हैं भोजन भोजन संबंधी, सिविल सप्लाई संबंधी, खपतकार मामले संबंधी, ये सारे ही विभाग परत भूषण पांडे जी को। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी, पंजाब का खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग किड़े मंत्री को है? राजकुमार वेरका, प्रगट सिंह, रणदीप सिंह नाभा, जा इन दे विचों कोई नहीं? तो आप इसका आंसर देख लेते हैं, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा रणदीप सिंह नाभा। हाँ जी, पंजाब का खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग किड़े मंत्री को है? तो उत्तर हो जाएगा रणदीप सिंह नाभा। सो प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट आप देखते हाँ जी, हेठ लिखा दे विचों केड़ा विभाग पंजाब दे कैबिनेट राजकुमार वेरका कोल है? मेडिकल सिक्ख्या ते खोज, नवे अते गैर नवियानयोग ऊर्जा स्रोत, समाजिक न्याय, जां उपरोक्त सारे? तो इसका भी अपने को आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सारे। हाँ जी, ये सारे ही विभाग किन्ना कोल हन? राजकुमार वेरका कोल हन। नैक्सट आप देखते हाँ जी, पंजाब दा जंगल अते जंगली जीवन दा विभाग किहड़े मंत्री कोल है? तृप्त सिंह बाजवा, मनप्रीत सिंह बादल, प्रगट सिंह, जां संगत सिंह गिलजिया? तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा संगत सिंह गिलजिया। हाँ जी, पंजाब का जंगल अते जंगली जीवन का विभाग किहड़े मंत्री कोल है? तो उत्तर हो जाएगा संगत सिंह गिलजिया। डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट हेठ लिखा दे विचों केड़ा विभाग प्रगट सिंह कोल है? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे। हाँ जी, ये सारे ही विभाग प्रगट सिंह कोल हैं, यानी कि स्कूली सिक्ख्या, उच्च सिक्ख्या, खेडा, योग सेवावान, NRA मामले, ये सारे ही विभाग प्रगट सिंह कोल हैं। सो ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसनों तुसी पक्का याद करके जाना है। नैक्सट आप देखते हैं हाँ जी, पंजाब के आवाजाई मंत्री कौन बने हैं? तो आप इसका आंसर देखते हैं, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंग। हाँ जी, पंजाब के आवाजाई मंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंग। सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट हेठ लिखा दे विचों केड़ा विभाग पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली कोल है? उद्योग अते वणज, सूचना तकनीक, विज्ञान अते तकनोलॉजी, जां उपरोक्त सारे? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे। हाँ जी, ये सारे ही विभाग पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली कोल हैं। नैक्सट पंजाब विधानसभा के वर्तमान समय स्पीकर कौन हैं? सो इस प्रश्न का आंसर तुम्हें हरेक विद्यार्थी को पता होना चाहिए है। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा राणा कुंवरपाल सिंह। हाँ जी, पंजाब विधानसभा के वर्तमान समय में स्पीकर कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा राणा कुंवरपाल सिंह। इस तो अलावा हरेक विद्यार्थी ने कमेंट बॉक्स में दसना है
कि पंजाब विधानसभा के पहले स्पीकर कौन सन, ये कमेंट बॉक्स में जरूर दसना है। इस तो अलावा पंजाब दे विच विधानसभा सीटा की कुल गिनती कितनी है, तो उत्तर होगा 117, लोकसभा सीटा की गिनती है 13 एंड राज्यसभा सीटा की गिनती है 7। नैक्सट आप देखते हैं, हाँ जी, पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन हैं। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अजाइब सिंह पट्ठी। हाँ जी, पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं, तो उत्तर हो जाएगा अजाइब सिंह पट्ठी, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट, पंजाब विधानसभा के उप नेता कौन हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरमीत सिंह, कोई नहीं। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सुखजिंदर सिंह रंधावा। हाँ जी, पंजाब विधानसभा के उप नेता कौन हैं, तो उत्तर हो जाएगा सुखजिंदर सिंह रंधावा। सो इस दे नाल ही अज की अपनी ये वीडियो इत्थी समाप्त होंदी है। सो उम्मीद करता हाँ कि वीडियो थोनों बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल लगी होगी। सो इस वीडियो नूं अपने फ्रेंड्स नाल भी जरूर शेयर करना है, तां जो हरेक विद्यार्थी की हैल्प हो सके। इस तो अलावा पंजाब के मंत्रीमंडल रिलेटिड अपने को जो भी प्रश्न बनेगा तो वो इन्हों के ही बनेगा। सो ये जिन्ने भी प्रश्न थोड़े दसे गए हैं तो इन्होंने तुम्हें नोट भी कर लेना। इस तो अलावा इन्हों की थोड़ा PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। PDF थोड़ा अपने जो एप्लीकेशन है Study.44 तो उत्थे थोड़ा मिलेगी इसकी PDF। अपना एप्लीकेशन का नाम है Study.44, उसनों तुसी डाउनलोड किवें करना है, यानी कि इंस्टॉल किवें करना है। प्ले स्टोर से तुसी हुणे ही विजिट करो, उत्ते तुसी मेंशन करना है सर्च बॉक्स के विच Study.44, तो थोड़े सामने ऐप शो कर जाएगा, तो उसनों तुसी डाउनलोड कर लेना, उत्ते तुहानूं इसकी PDF भी जरूर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हुण वीडियो नूं इत्थे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच। थैंक यू।